तो पैनल इज ए कंटेनर और इट इज ए स्पेस, इट इज गिवन बाय द गिवन इन ए फ्रेम. तो पैनल प्रोवाइड ए स्पेस फॉर द कंपोनेंट, मतलब जो भी सारा कंपोनेंट है उसको एक स्पेसिफिक रीजन में ऐड करने के लिए पैनल यूज किया जाएगा. मतलब ये जो रेड एरिया एक पैनल है, ये जो ब्लू एरिया एक पैनल है, ये जो व्हाइट एरिया एक पैनल, ये जो लोअर पार्ट में एक चीज है एक पैनल होता है. तो पैनल इज प्रोवाइडिंग ए स्पेस टू एडिंग ए कंपोनेंट. ओके, सो फॉर एडिंग ए पैनल, सो आफ्टर क्रिएटिंग ए पैनल यू हैव टू ऐड द पैनल टू ए फ्रेम. पैनल क्रिएट करने के बाद उसको फ्रेम में ऐड करना पड़ता है. दिस एनेबल सॉफ्ट पैनल टू हैव देयर ओन लेआउट मैनेजर. तो अभी हम पैनल देखते हैं कैसे होगा. देखिए, ए डब्ल्यू टी और डिजाइनिंग में काम करने के लिए हम एक पैकेज इंपोर्ट करेंगे. इंपोर्ट जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट स्टार पब्लिक क्लास फ्रेम विथ पैनल प्राइवेट फ्रेम एफ. एक फ्रेम का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया. ओके, तो उसके बाद यहाँ पर जो क्लास है इसका कंस्ट्रक्टर बनाया. यहाँ पर स्ट्रिंग टाइटल. ओके, सो फ्रेम इक्वल्स टू न्यू फ्रेम टाइटल. सो फ्रेम विथ पैनल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर क्रिएटिंग ए ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास फ्रेम विथ पैनल जी वाई विंडो न्यू फ्रेम विथ पैनल. देन ऑब्जेक्ट डॉट लॉन्च फ्रेम फंक्शन, वी आर कॉलिंग ए फंक्शन हियर लॉन्च फ्रेम फंक्शन. ओके, तो यहाँ पर मैं लॉन्च फ्रेम फंक्शन को कॉल किया. जब कॉल करता हूँ इधर, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या नाम, फ्रेम का साइज मैंने दे दिया 200 200. फ्रेम का बैकग्राउंड हो जाएगा कलर ब्लू. एफ डॉट सेट लेआउट नॉल, फ्रेम का जो लेआउट है यहाँ पर नॉल हो जाएगा. मतलब कुछ भी लेआउट हमने यहाँ पर पास नहीं किया. उसके बाद फ्रेम इनिशियली इनविजिबल है, टू मेक इट विजिबल, उसको विजिबल करने के लिए एफ डॉट सेट विजिबल टू ट्रू यहाँ पर डिफाइन किया गया. फ्रेम इज नाउ विजिबल हियर. उसके बाद जो पैनल हमने ऐड किया था, पैनल का साइज यहाँ पर 200 100 100 है. पैनल का बैकग्राउंड येलो है. तो अभी इसको रन करते हैं. So now,
देखो यहाँ पर ये जो ब्लू कलर जो है वो फ्रेम है, येलो कलर यहाँ पर जो शो कर रहा है ये आपका पैनल है। ओके समझ में आया? यस सर। Now we have to go for the layout manager. Layout manager are used to place the component on the required position. जो भी जावा का component है उसको एक particular position में add करने के लिए layout manager use करेंगे. There are different layout manager we are using: flow layout, border layout, grid layout, card layout and grid bag layout. So five type of layout manager we are using: flow layout, border layout, grid layout, card layout and grid bag layout. The default layout manager for a window, frame and dialog class is border layout. Default means if you are not passing any kind of layout, if you make the layout as null, so by default the border layout is applied. In the same way for the panel and applet, flow layout manager is a default layout manager. Border layout manager for window, frame and dialog, default layout for window, frame and panel is border layout. Similar way for panel and applet, flow layout is the default layout manager. So now what is flow layout manager? It has the following characteristics. It forms the default layout manager for the panel class. For the panel class, it is a default layout manager. It adds the component from left to right. If you want to add the component is added from left to right. Alignment default is center. मतलब जो भी component add होगा वो center में add होगा. Uses the component for preferred sizes. You can give a proper size for the component. Use the constructor to tune the behavior. By using a constructor, we have to pass the accurate behavior of the flowchart. Flow layouts. Okay. So now I show you how actually it works, flow layout. Yes, sir. That's a network issue. Hello. हाँ देखो ये जो फ्लो लेआउट जो है इट फॉर्म द डिफॉल्ट लेआउट फॉर मैनेजर क्लास, मतलब डिफॉल्ट लेआउट फॉर द पैनल क्लास. अगर हम कुछ भी लेआउट नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट फ्लो लेआउट यहाँ पर ऐड हो जाएगा.
it adds the component from left to right. आप जो भी कंपोनेंट ऐड करोगे वो लेफ्ट टू राइट ऐड होगा. अलाइनमेंट डिफॉल्ट इज सेंटर. जो भी कंपोनेंट हम ऐड करेंगे वो सेंट्रली विजिबल होगा. यूजेस द कंपोनेंट फॉर प्रिफर साइजेस. हम कंपोनेंट का एक प्रिफर साइजेस हम दे सकते हैं. ओके तो अभी हम देखेंगे. So now here for designing the user interface, we are using a package import java.awt.star private frame f. यहाँ पर एक फ्रेम का ऑब्जेक्ट डिफाइन किया गया. तीन ठो बटन है, बटन वन, बटन टू, बटन थ्री. तो ये जो क्लास है फ्लो एग्जाम्पल, इसका कंस्ट्रक्टर यहाँ पर डिफाइन किया. इसके अंदर फ्रेम का नाम हमने यहाँ पर पास कर दिया फ्लो लेआउट, और जो तीन ठो बटन है उसका नाम यहाँ पर दे दिया ओके, ओपन एंड क्लोज. सो नाउ वी आर डिफाइनिंग अ फंक्शन पब्लिक वर्ड लॉन्च फ्रेम फंक्शन एप डॉट सेट लेआउट न्यू फ्लो लेआउट. तो लेआउट देने के लिए यहाँ पर फ्लो लेआउट यहाँ पर मेंशन किया गया. एप डॉट ऐड बटन वन, एप डॉट ऐड बटन टू, एप डॉट ऐड बटन थ्री. तो तीनों बटन यहाँ पर ऐड किया गया. एफ डॉट पैक मेथड, पैक मेथड यूज किया जाता है अगर कोई भी मतलब प्रीवियस कंपोनेंट को देखकर नेक्स्ट कंपोनेंट ऑटोमेटिकली रीअरेंज हो जाता है. सो दिस मेथड इज यूज साइज द फ्रेम सो एज सो ऑल द कंटेंट आर ऑन द अबव देयर साइज. तो फ्रेम का साइज हो गया 100 and 100. देन एफ डॉट सेट विजिबल ट्रू. देन यहाँ पर हमने फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया. ऑब्जेक्ट के थ्रू में हम लॉन्च फ्रेम फंक्शन को कॉल किए. जस्ट रन द फाइल.
तो यहाँ पर हम Okay, so when you open it, so it have like okay open and close. So flow layout का ज़्यादातर जो rule है वो left to right add होगा, left to right, okay open and close, ये add हो गया. Now एडजस्ट, समझ में आया प्रोग्राम? तो जो भी सेंटर सेंटर में दिखाया और सारा चीज जो है लेफ्ट टू राइट ये आपको विजिबल हुआ, ये आपका हो गया फ्लो लेआउट.
So next is border layout. Border layout manager has the following characteristics. The it is a default layout manager for the frame class. For the frame class, it is a default layout manager. The components are added to the specific regions. The resize behavior is as follows. North, south, and center region adjust horizontally. East, west, and center region adjust vertically. Okay. The north, south, center. North, south, center adjust horizontally. East, west, and center adjust vertically. Okay, so these are the border layout manager that we are using. Okay, and here we add the component on the specific region. So I show you. So now the see that if you want to add in a specific region, we're using button one border layout dot north. Okay, set layout, new border layout int h gap and int v gap, horizontal gap and vertical gap that we're using, horizontal gap and vertical gap, set layout, new border layout is int s gap and int v gap. So there is a two gap we're using. Okay. तो अभी बॉर्डर लेआउट का एग्जांपल हम दिखाते हैं कैसे होगा. बॉर्डर लेआउट एक्सटेंड्स फ्रॉम फ्रेम, एक क्लास है इसका एक्सटेंड हुआ फ्रेम क्लास से. उसके बाद बटन्स, ओके बटन्स का एक आरे डिफाइन किया गया. मतलब यहाँ पर पांच बटन ऐड होगा, लूपिंग यहाँ पर चलेगा, लूपिंग में बटन का नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3 4 5, ऐसा नंबरिंग हो जाएगा. ओके तो अभी सॉरी ये बॉक्स लेआउट आ गया, जस्ट अ मिनट.
Okay. ओके सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम एक क्लास डिफाइन किए बॉर्डर, नाउ वेर एडेड फ्रेम ऑब्जेक्ट। ये जो क्लास बॉर्डर है, बॉर्डर का कंस्ट्रक्टर यहाँ पर डिफाइन किया गया। तो यहाँ पर जो फ्रेम के अंदर हम पांच बटन ऐड किए, B1, B2, B3, B4, B5, तो पांच बटन ऑब्जेक्ट डिफाइन किए। तो उसका नाम दे दिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंटर। उसके बाद ये हो गया बटन का नाम। उसके बाद ये जो बटन है उसको मैंने ऐड किया कहाँ पर, ना फ्रेम में ऐड किया, और यहाँ पर उसका लेआउट दिया, मतलब कौन सा पोजीशन में आपका बटन ऐड होगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। सो हियर वी डिफाइन ए साइज, फ्रेम का साइज यहाँ पर डिफाइन कर लिए, और इनिशियली फ्रेम इज इनविजिबल, तो उसको विजिबल कराने के लिए यहाँ पर एफ डॉट सेट विजिबल ट्रू हमने यहाँ पर डिफाइन किया। तो यहाँ पर मैं रन करता हूँ प्रोग्राम। जी ड्राइव जावा सी फाइल नेम डॉट जावा। Then Java okay, तो ये नॉर्थ में, वेस्ट में, सेंटर, ईस्ट और साउथ में ऐड हुआ। समझ में आया अभिमन्यु? Yes, sir.
देखो यहाँ पर और एक चीज है ग्रिड लेआउट। ग्रिड लेआउट का मतलब है जो भी कंपोनेंट हम ऐड करेंगे वो रो एंड कॉलम फॉर्मेट में शो करेगा। मतलब यहाँ पर देखिए 3 रो एंड 2 कॉलम है, 3 रो एंड 3 रो एंड 2 कॉलम। एफ डॉट सेट लेआउट न्यू ग्रिड लेआउट 3 रो एंड 2 कॉलम्स। ओके ये रो एंड कॉलम फॉर्मेट में शो करेगा। क्लियर अभिमन्यु? यस सर। ओके तो आई शो द प्रोग्राम नाउ। देखो अभी यहाँ पर जो ग्रिड लेआउट है यहाँ पर मैंने 9 बटन ऐड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके उसके बाद ये 9 बटन को मैंने फ्रेम में ऐड किया। न्यू ग्रिड लेआउट 3 रो एंड 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम है।
ओके तो एप डॉट सेट साइज 300 300 सेट विजिबल टू ट्रू होगा। तो ये जो सारा बटन है तीन रो तीन कॉलम के अंदर आपको दिखाई देगा। अभी इसको दिखा अभिमन्यु। यस सर। ओके ठीक है तो नेक्स्ट क्लास में इसका आगे पढ़ेंगे और दूसरा लेवल। ओके सर।